अस्सलामुअलैकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं मेरे दोस्त, क्या कर रहे हैं? ठीक ठाक हैं, मज़े से हैं जी जनाब। तैयार बैठे हुए हैं आज हम अपनी इस्लामियत की क्लास में, और हम पढ़ रहे हैं सबक। आजकल कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? सबक नंबर 10 पढ़ रहे हैं, कहानी नेक लड़के की, जिसमें हमने क्या पढ़ा था बताइए जल्दी से जी। आज आप बताएंगे, हम काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को रिवाइज़ कर चुके हैं, दोहरा चुके हैं कि ये कहानी, ये सबक जो हमने पढ़ा था किसके बारे में पढ़ा था? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था। बिल्कुल जनाब, हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में पढ़ा था और उनके बेटे के बारे में। उनके बेटे का नाम क्या था? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी नस्ल से हैं? हमने ये भी पढ़ा था इस सबक में, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। बिल्कुल जनाब। अच्छा भाई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में क्या देखा था? कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी सबसे प्यारी चीज़ को अल्लाह की राह में क़ुरबान कर रहे हैं, है ना? तो फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने क्या चीज़ क़ुरबान करनी थी, उनकी सबसे प्यारी चीज़ क्या थी जी? औलाद, यानी कि उनकी अपनी औलाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। फिर उन्होंने क्या सोचा था, उन्होंने अपने बेटे से उसके बारे में डिस्कस किया, उनको अपना वाक़या सुनाया, अपना ख्वाब सुनाया। तो फिर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, क्या वो पीछे हट गए थे, या फिर उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आप वही करें जिसका अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कि हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए, है ना? हमें अल्लाह ताला का हुक्म मानना चाहिए, जो बातें हमें बताई गई हैं, जो बातें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई हैं, समझाई हैं, जो बातें हम कुरान पाक से हमें पता चलती हैं, जो उससे हमें पता चलती हैं, जो अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए हम तक पहुंचाई हैं, उन बातों पे हमें अमल करना चाहिए। वो सारी बातें हमारे फ़ायदे के लिए होती हैं, है ना? क्योंकि जब आप इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को फ़र्श पर लिटाया था, तो फिर क्या हुआ था, क्या वो क़ुरबान हो गए थे? नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनकी जगह एक भेड़ रख दी थी। और आज भी हम उनकी याद में क्या करते हैं, हम बकरीद पे क्या करते हैं भाई, आप ईद मनाते हैं ना, और ईद पे हम क्या करते हैं, बकरीद पे हम सब लोग जानवर कुर्बान करते हैं अल्लाह ताला की राह में। और किसकी याद में करते हैं, हम इसी वाक़े की याद में करते हैं जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के माबैन हुआ था, यानी कि उनके दरमियान हुआ था। अल्लाह ताला ने किस तरह से हज़रत इस्माईल की जगह भेड़ को रख दिया था, और हम इसी वाक़े की रोशनी में, इसी वाक़े को याद करते हुए कुर्बानी करते हैं। अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए, है ना? ये था हमारा सारा किस्सा, ये वाक़या और ये सबक। हम कर रहे हैं इसकी मश्क, हमने काफ़ी मश्कें की इसकी। हमें पता चला कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबे की तामीर फरमाई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेगम जो थी बीबी हाजरा, उन्होंने क्या किया था, वो पानी की तलाश में, जब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लग रही थी तो वो प्यास की तलाश में, यानी कि पानी की तलाश में दौड़ रही थी। कहाँ दौड़ रही थी? सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ रही थी। तो वहाँ से एक चश्मा फूट पड़ा था, उस चश्मे का नाम है आबे जमजम, जो आज तक जारी और सारी है, यानी कि उसमें पानी अभी तक मौजूद है, वह चश्मा अभी तक मौजूद है और ताक़यामत रहेगा, है ना? अच्छा जी जनाब, हमने ये सारी मशकें की थी और हमने ये भी मालूम किया कि भाई कौन किसकी बात मानता है। तो हम सब जो है अल्लाह ताला की बात मानते हैं, अल्लाह ताला का पैगाम हमारे पास किस तरह से पहुंचता है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हज़रत अल्लाह ताला ने पहुंचाया, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के ज़रिए हमारे पास पहुँचा, क़ुरान की रोशनी में हमारे पास पहुँचा, हम इस तरह से अल्लाह ताला के हुक्म के, उनके फरमान की तामील करते हैं, है ना? चलें जी जनाब, ये सारी बातें हमने कर ली, अब एक और मश्क करते हैं। हमारे पास मौजूद है सफ़ा नंबर, हमारे पास मौजूद है 39, और यहाँ पे एक और मश्क हमारी है। देखते हैं ये मश्क हमें क्या समझा रही है, क्या सिखा रही है। आपने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे की सच्ची कहानी से क्या सीखा? एक तो बात ये कि ये कहानी बिल्कुल सच्ची है, ये वो कहानियाँ आम कहानियाँ नहीं हैं जो हम सुनते हैं, बल्कि ये बिल्कुल सच्ची कहानी है, ये ऐसा वाकया बिल्कुल हुआ था, ठीक है? सही और गलत का निशान लगाइए, या जुमले दिए हुए हैं, आप सोचिए, समझिए और बताइएगा कि इन में कौन से जुमले सही हैं
कौन से जुमले गलत हैं। ठीक है, सबसे पहला जुमला है, हमें हमेशा अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। तो बताइए ज़रा, क्या हमें हमेशा अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए, बिल्कुल ठीक, हमें हमेशा अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। हमें अल्लाह की बात को गौर से नहीं सुनना चाहिए, हमें अल्लाह की बात को गौर से नहीं सुनना चाहिए। भाई कैसा होना चाहिए? नहीं ना, हमें अल्लाह की बात को गौर से सुनना चाहिए। तो ये तो जुमला बिल्कुल गलत है, हमें अल्लाह की बात को गौर से नहीं सुनना चाहिए, ये जुमला बिल्कुल गलत है। हम यहाँ क्रॉस का निशान लगाएंगे, शाबाश। अच्छा जी, तीसरा जुमला है हमारा, अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह की बात पर अमल करते हैं। जी ऐसा ही होता है, अगर हम अल्लाह की बात मानेंगे, अच्छी बातों पे अमल करेंगे, सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, हम रोज़े रखेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, कुर्बानी करेंगे, तो अल्लाह ताला हमसे प्यार करेंगे ना, करेंगे ना। अगर हम गंदी बातें करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, नमाज़ें नहीं पढ़ेंगे, झूठ बोलेंगे, गंदी बात करेंगे, लड़े झगड़ेंगे हर वक्त, तो अल्लाह ताला तो हमें पसंद नहीं करेंगे, है ना। तो अल्लाह ताला हमें कब पसंद करेंगे? जब हम अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगे। अल्लाह ताला उन्हीं से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह ताला की बात पर अमल करते हैं, ना। तो ये जुमला बिल्कुल सही हुआ, ठीक हुआ भाई। चौथा जुमला हमारे पास मौजूद है, क्या? अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो उसका हुक्म मानते हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो उसका हुक्म मानते हैं। अगर हम अल्लाह ताला का हुक्म मानेंगे, कोई काम करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, सच बोल के करेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी ज़रूर मदद करेंगे उस काम में, और हमारा काम बहुत अच्छा होगा। हम अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से याद करेंगे, तो हम इम्तिहान में ज़रूर कामयाब होंगे, है ना, क्योंकि अल्लाह ताला हमारी मदद करेंगे। तो क्या होगा, ये जुमला सही होगा या गलत होगा? ये बिल्कुल सही जुमला होगा। तो हमने क्या देखा, हमें अल्लाह ताला का, हमें हमेशा अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए, बिल्कुल सही। हमें अल्लाह की बात को गौर से नहीं सुनना चाहिए, बिल्कुल गलत। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो अल्लाह की बात पर अमल करते हैं, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो उसका हुक्म मानते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है जनाब, हमने आज की काम कंप्लीट कर लिया। आप भी इस वीडियो को बार बार देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा, अपना काम कंप्लीट कीजिएगा, और कंप्लीट करने के बाद अपने काम की पिक्चर अपने टीचर को सेंड कर दीजिएगा। कल हम मिलेंगे नए काम के साथ। अल्लाह हाफिज़।